ED G 172 चैप्टर नंबर 12 यूनिट नंबर 12, ठीक है। ये लगभग रहेगा क्या है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। कार्यस्थल का मतलब वर्क प्लेस, आप जहां पर कोई नौकरी करता है, कोई रोजगार करते हैं, आप जहां पर नौकरी या जॉब कर रहे हैं, जहां पर नौकरी करते हैं, अगर वहां पर अगर आपके साथ कोई यौन उत्पीड़न हो, यौन उत्पीड़न का मतलब आपका जो सीनियर है, ठीक है, आपका शोषण कर रहा, शारीरिक शोषण यानी फिजिकली तौर से आपको शोषण कर रहा आपका, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है। कार्यस्थल मैंने जो आपको दे, सिंपल सा कहने का मेरा मतलब यही है कि जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब वही है, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम देखेंगे तो क्या है, जैसे क्या है 12.3 क्या है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है क्या, यानी बेसिक सा आपका पता होना चाहिए जो कार्यस्थल पर है यौन उत्पीड़न क्या है, यानी वहां पर अगर वर्क प्लेस पर अगर हो रहा है तो आखिर चीज क्या। उसके बाद जैसे 12.4 क्या है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रकार यानी टाइप ऑफ, कितने टाइप है का, टाइप का हो रहा है यानी जब आप काम करें कितने प्रकार का, क्योंकि कैटेगरी वाइज है किस टाइप का है, ठीक है। तो 12.3 12.4 ये हो गया। और इसी में एक चीज और है, इसमें ध्यान देना, कानूनी फैसले, 12.8 जो है कानूनी फैसले का मतलब इलीगल प्रोसीजर क्या है। मान लो अगर किसी के साथ यौन उत्पीड़न हो गया भाई, ठीक है, मान लो कहीं कोई नौकरी कर रहा है और उसके सीनियर ने उस लड़की के साथ या यौन उत्पीड़न कर दिया, उसका शोषण कर दिया है, तो वह क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है, यानी उसके लिए लीगल प्रोसीजर क्या है, यानी उसके लिए कैसी FIR होगी, क्या है दुनिया भर की, या उसके लिए क्या कानून है हमारे संविधान में, क्या नियम कानून है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, कारण और विशेषता या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अगर मेरी तरफ से देखोगे 12.3 12.4, ठीक है, 3-4 यानी हो गया, उसके बाद 8 आपको पता नहीं यौन उत्पीड़न की केस स्टडी, ऐसा कोई जरूरी नहीं सी यही केस स्टडी आपको यौन उत्पीड़न की दुनिया भर की केस स्टडी आप बनावटी लिख सकते हो ना, केस स्टडी मान लो आ गया कि लिखनी है, ठीक है, यौन केस स्टडी आपको लिखना है, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि इस किताब में जो लिख रखा है या जो सुन रखा हो, आप बनावटी लिख सकते हैं या वैसा भी कोई बता सकते हैं, ठीक है, तो आप वैसे लिख सकते हैं, वैसे ये सिंपल सा रहेगा, ये ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैंने बोला 12.3 12.4 12.8 है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसी में एक और है सेक्शन रहेगा 12.5 कारण और विशेषता, यानी इन लगभग अगर चार पॉइंट को देखें तो इन्हीं चार पॉइंट को हम देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है, सबसे पहले 12.3 यहाँ पर देखिएगा, 12.3 क्या है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है, तो क्या कह रहे हैं, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ऐसा अनुचित यौन आग्रह से किया गया व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव के द्वारा है, शारीरिक संपर्क इस दिशा में आगे बढ़ना, यानी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होगा, कौन कौन सी चीजें, अगर मान लो कहीं तुम नौकरी कर रही हो या कोई कर रही है लड़की, तो कैसे उसको पता चलेगा उसके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, वो किस प्रकार से होगा। पहला पॉइंट क्या है भाई, आपके कोई शारीरिक संपर्क में आ रहा है, ठीक है, बॉडी से संपर्क में आपके आया है या इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, यौन संबंध की मांग या अनुरोध करना, यानी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए आपको विवश कर रहा है या आपसे वो आग्रह कर रहा है, यानी कह रहा कि चलो मान जाइए, ठीक है, दो हो गया। तीसरा क्या है, यौन भावना से प्रेरित टिप्पणी करना, यानी आपको क्या कर रहा है, आप पर टीका टिप्पणी कर रहा है, यानी आपके कमेंट पास कर रहा है या उस पर कोई आपकी शारीरिक या फिजिकली तौर से आपका कोई कमेंट कर रहा है, ठीक है, गाली गलौज कह सकते हो। दूसरा, अश्लील फिल्म साहित्य या चित्र दिखाना, यानी कोई आप कह सकते हो अश्लील फोटो या एडल्ट या वीडियो हो या फोटो हो, यो आपके इशारा कर रहा है या चित्र दिखा रहा है या उस प्रकार की, साहित्य का मतलब हो जाता है कि उस रूप से गाली गलौज भी करना, ठीक है। दूसरा क्या है, काम वासना की प्रकृति या अन्य कोई अनुचित, यानी किसी प्रकार की वो फिजिकल चीजों को दिखा रहा है या परेशान कर रहा है। नेक्स्ट, मौखिक या अमौखिक अनुचित व्यवहार, यानी वो बोल करके या इशारे करके आपसे कोई ना कोई अनुचित व्यवहार कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, या गंदे, ठीक है, तो इस टाइप के सारी चीजें आएंगी, यानी अगर ये चीजें आपके साथ होती, आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं भैया, ठीक है, इस ये जितने भी पॉइंट बनाए 1 2 3 4 5 6 से ये टोटल जो 6 दिए गए हैं, 6 में से अगर आपके साथ कोई भी होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कार्यस्थल पर यानी आप जहां नौकरी कर रहे हैं, जहां जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपका जो सीनियर जूनियर कुछ भी हो, वहां पर जो ही अगर कोई व्यक्ति है आपके साथ, यानी उसने आपके साथ क्या कर लिया है, शोषण कर लिया है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अवधारणा को समझने के लिए दो प्रमुख, यानी कार्यस्थल पर अगर यौन उत्पीड़न होता है तो हम उसको समझ कैसे सकते हैं कि आखिर हुआ नहीं हुआ। पहला क्या देखो, अनुचित या अभिप्राय महिलाओं की पुष्टि से अनुचित। यहाँ ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि यह महिला को कैसे प्रभावित करता है, ना कि कार्य का क्या असर। कह रहे हैं कि अगर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तो महिला को प्रभावित करेगा, महिला को प्रभावित करेगा, उसको परेशान करना, ये नहीं उसका जो काम कर रही है उसको नहीं करना है। मान लो सिलाई कर रही, कढ़ाई कर रही, बुनाई कर रही या कुछ भी काम कर रही है, एनी थिंग जो काम कर रही है, वो काम को डिस्टर्ब नहीं करेगा वो इंसान, बल्कि उस महिला को या उस लेडी को या उस लड़की को परेशान करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये, यानी कि वो ये इसलिए नहीं किया जाएगा कि आप नौकरी छोड़ करके भाग जाएं, इसलिए नहीं, बल्कि आपको शारीरिक तौर से वो परेशान करना चाहता है। दूसरा क्या है, आचरण यौन प्राकृतिक यानी काम वासना का होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी या उच्च अधिकारी किसी कर्मचारी के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करता है तथा महिला कर्मचारी को पदोन्नति नहीं करता किंतु उसका आचरण किसी प्रकार की यौन प्रकृति का नहीं है, तब वह यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। इस प्रकार यौन प्रकृति का व्यवहार प्रत्यक्ष यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है। यौन प्रकृति के आचरण से अभिप्राय है कि निम्नलिखित उदाहरण से पता लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के उदाहरण, मौखिक यौन उत्पीड़न जैसे टिप्पणी करना, अश्लील टिप्पणी करना, ठीक है, मजाक या कमेंट करना या मजाक करना होता नहीं, गाने गाना, महिलाओं के अंतरंग मुद्दे पर चर्चा करना, ठीक है, टिप्पणी करना या विवाह या गर्भ इत्यादि लौकिक रूप से, या उसकी अपमान करना या फोन कॉल करना है, फोन ऑन करके भैया परेशान कर रहा है, ये सारा क्या एक प्रकार से क्या है यौन उत्पीड़न में आएगा। दूसरा क्या है, अनुवांशिक यौन उत्पीड़न क्या है, देखिए घूरना, अनुवांशिक मतलब पूरी तरह से घूर रहा है, या बुरी नज़र से देखना, सीटी मारना, ये सारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है, ये सारे जो लड़के वड़के करते हैं कई बार, ठीक है, घूरना, बुरी नज़र से देखना, सीटी मारना, आंख मारना, ठीक है। अश्लील साहित्य का मतलब ये होता है कि अश्लील साहित्य का मतलब होता है कि उसको ये एक प्रकार से गाली गलौज भी इसमें आती है, या उसको कोई किताबें उताबें जो आती है ना, अडल्ट जो किताबें आती हैं उस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। अस्पष्ट रूप से अश्लील सामग्री दिखाना, कोई वीडियो वीडियो दिखाना इसको बोलते हैं, ठीक है। अमर्यादित रूप से अंगों को दिखाना, यानी अपने पार्ट को दिखा रहा या उसके पार्ट को देख रहा, इस चीज़ों को करना, ठीक है। होंठ चाटना या हवा में चुंबन करना, आंख उभरना, MMS या बहुत है ना कि परेशान करते, कॉल कर रहा, फोन कर रहा, मैसेज कर रहा है, अगर इस प्रकार की गतिविधि आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं अगर कोई भी कर्मचारी इस प्रकार की चीज़ों को करता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, आपके साथ यौन उत्पीड़न कर रहा है, यानी सीधा उस पर लीगल कार्रवाई हो सकती है अगर इस चीज़ों के अगर ये चीज़ें दायरे में आ रही हैं, ठीक है। अगर सामग्री भेजना है भाई, कोई वीडियो डे भेज दे रहा, परेशान कर रहा है, ठीक है। दूसरा, कोई महिला असहज महसूस करे, यानी इस प्रकार अश्लील महसूस करना है अगर किसी महिला को असहज महसूस, कोई भी काम करता है। दूसरा, शारीरिक यौन उत्पीड़न क्या है, देखो शारीरिक संपर्क या उस दिशा में आगे बढ़ना, अनछनीय संपर्क, चिपकना, रगड़ना, किसी स्त्री के रास्ते को रोकना, उसके किनारे ले जाना, यौन उत्पीड़न, छेड़खानी का प्रयास करना, ये सभी प्रकार अगर इस प्रकार की हरकत हो रही है तो इसका मतलब क्या है, यौन उत्पीड़न इस सारी कैटेगरी में आएगा। भाई किसी का पीछा करना, ये भी एक प्रकार का यौन उत्पीड़न है, ठीक है। सीटी मारना, आंख मारना, अश्लील, ये सारी चीज़ें हैं, सब समझ लो कि आंख उभारना, ये मैसेज कर रहा, कॉल कर रहा है, ये सब एक प्रकार से यौन उत्पीड़न में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न उसके प्रकार कौन कौन से हैं। पहला, जैसे क्या 12.4 में क्या दिया गया, देखिएगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रकार भाई कितने प्रकार का। पहला क्या जैसे दिया गया है, कार्य के बदले सहयोग करना। देखो रोजगार, वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति के बदले यौन सहयोग की शर्त रूप के मानना, इसका आशय है कि किसी स्त्री को रोजगार या पदोन्नति तथा वार्षिक वेतन वृद्धि या ग्रेड में वृद्धि, अकादमी प्रतिष्ठा तथा सिफारिश तभी मिलेगी जब वह यौन उत्पीड़न सहन करे। जो कई बार होता है ना कि भाई तुमको प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, इस प्रकार के करके अगर उसको शारीरिक रूप से या फिजिकली तौर से अगर उसका शोषण किया जाता है, एक कार्य के बदले सहयोग है, भैया पहला मैं तुम्हारा शोषण कर लेता हूँ और फिर ये किसी ने नौकरी दिला देंगे या पदोन्नति प्रमोशन हो जाएंगे या सैलरी बढ़ जाएगी, पे ग्रेड बढ़ जाएगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों में अगर शोषण होता, यानी कार्य के बदले सहयोग वही कि ना कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम यौन शोषण हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार की अगर चीज़ें होती हैं तो सारा क्या है, कार्य के बदले सहयोग की कैटेगरी में आएगा, ठीक है।
के बदले सहयोग का मतलब है कि भाई कि आपका प्रमोशन करवा देंगे, आपको पदोन्नति करवा देंगे, सैलरी बढ़ जाएगी, दुनिया भर की बातें इसके बाद में, अगर वह यौन उत्पीड़न को सहन करे। अन्य शब्दों में यौन कार्य के लिए सहमत महिलाएं स्वेच्छा नहीं देती हैं, वह दबाव के कारण सहमति देती हैं, यदि वह ऐसा नहीं करती हैं तो वह वास्तविक लाभ से वंचित रह जाती हैं। कह रहे हैं कि कार्य के बदले सहयोग का मतलब है कि भाई आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी पदोन्नति हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, पे ग्रेड बढ़ जाएगा, इसके बदले उनको एक प्रकार से उनका शोषण होता है। अगर वह इस पर अपनी सहमति नहीं देती, यानी हाँ नहीं भरती हैं, हामी नहीं भरती हैं, राजी नहीं होती हैं, तो उनसे उनको कोई लाभ मिलना है तो उस प्रकार का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। इस प्रकार का उत्पीड़न यानी इसके प्रकार हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या, प्रतिरोध की भावना। प्रतिरोध का मतलब भैया बदला लेने की भावना इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा, यौन संबंध से इनकार करने का परिणाम कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना के रूप में देखा जाएगा। भाई बदला लेंगे, ये तो मेरी से माननी नहीं, इसकी क्या औकात है, इस प्रकार से वो बेचारा सोच लेगा, ठीक है। इस प्रकार की सोच अकादमिक संस्थानों में यह विद्यार्थियों को कम अंक देने, फेल कर देना तथा कार्यस्थल पर वार्षिक वेतन या पदोन्नति या व्यावसायिक अवसर रोकने के रूप में, जैसे मान लो कोई स्कूल कॉलेज है, ठीक है, बात नहीं मानी तो फेल कर देना, कम अंक दे देना, ठीक है। अगर कहीं नौकरी कर रही है तो वार्षिक वेतन जो उसका है सैलरी नहीं बढ़ेगी, या पदोन्नति उसको नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, या कोई अवसर है वहाँ दिखेगा तो वो नहीं मिलेगा। इस प्रकार की क्या प्रतिशोध की भावना, यानी बदला लेने की भावना है, अगर वो किसी प्रकार से मना करती है, ठीक है, तो ये उसको झेलना पड़ सकता है। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, विषेध की पूर्ण वातावरण। देखो, कार्यस्थल पर वातावरण लैंगिक भेदभावपूर्ण होने का कर्मचारी की कार्य करने की योग्यता को प्रभावित करे। कि अगर किसी भी कर्मचारी के साथ, किसी भी वर्कर के साथ अगर भेदभाव, लैंगिक भेदभाव होता है, ठीक है, यानी जेंडर के आधार पर अगर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो भाई मेरे क्या होगा, उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है, जो काम करने की जो योग्यता है, या जितनी अच्छे से वो काम करता है, वो काम को नहीं करेगा, ठीक है, कार्य उसको काम उसका प्रभावित होगा। यहाँ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से महिला का उत्पीड़न नहीं कर पाता, किंतु वह लैंगिक रूप से असंवेदनशील पोस्टर लगवा सकते हैं, साहित्य दिखा सकता है, गंदे मजाक जोर से सुनाना आदि, कह सकते हैं कि इस प्रकार के काम को करेगा, ठीक है। अगर वह परेशान नहीं कर पाता है सामने से, अगर उसका सामना है, तो लैंगिक क्या करेगा, असंवेदनशील पोस्टर लगवा सकता है, ठीक है, मजाक करना या गंदे मजाक जोर से सुनाना या इशारा करना, इस प्रकार के, जो महिलाओं को वातावरण में कार्य करने में पूर्णतः असहज बना देगा, यानी उस लड़की को परेशान करना, बल्कि उस सामने जाकर नहीं अन्य चीज़ों को करना, या उसके आसपास इस प्रकार के कमेंट पास करना, या जोर से कोई चीज़ों को पढ़ना, या मजाक बनाना, या आपस में हंसी ठिठोली, उस प्रकार की चीजों करना क्या है, विषेधपूर्ण कार्य वातावरण, यानी कह सकते हैं कि उसको काम करने के लिए जो वहां का वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो पूरी तरीके से उसके लिए सही नहीं रहेगा। इस प्रकार का वातावरण भी कई बार हो जाता है, ठीक है, जैसे इसमें बताया भी गया है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का उदाहरण, ठीक है, यहां पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का एक उदाहरण भी दिया गया है, ठीक है, यहां पर इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है, देखिएगा इसमें दे रखा है, ठीक है, यहां पर जो इसमें है, ठीक है, इसको अब एक बार क्या करना, पूरा अच्छे से इसको रीड कर लेना, ठीक है, इसको पढ़ लेना, इससे क्या आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इसमें क्या है, ठीक है। दो इसमें एक और बना रखा है, इसी को बना बता रखा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या कारण और विशेषताएं, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्या है 12.5 कारण और विशेषताएं, देखिएगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यदि शताब्दियों से नहीं तो दशकों से होता रहा है। कह रहा है कि जो कार्यस्थल पर है, वर्क प्लेस पर जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, यह यौन उत्पीड़न जो है, यह शताब्दियों से नहीं, 100 सालों से नहीं तो दशकों से हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है। यह तब ज़्यादा बढ़ गया और दिखाई देने लगा जब से महिलाएं अपने घरों से बाहर आने और बड़ी संख्या में नौकरी करने लगी। कहें कि कार्यस्थल पर जो वर्क प्लेस पर जो महिलाओं के साथ, ठीक है, इस प्रकार की जो गतिविधि हो रही है, जो उनका शोषण हो रहा है, बड़ी संख्या में तब बढ़ा जब वह नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए जब वह घरों से बाहर निकलने लगी, तो इसकी संख्या दिन प्रतिदिन कह सकते हो बढ़ रही है, ठीक है। इन सार्वजनिक क्षेत्रों में पुरुष के आधिपत्यम
एकाधिकार को चुनौती दी। कहते हैं कि जब कार्यस्थल पर काम करने में महिलाओं की संख्या बढ़ी तो पुरुषों को एक प्रकार से क्या मिली, उनको चुनौती पेश आई भाई कि महिलाएं भी आकर के काम करने लगी तो पुरुषों की नौकरी कम होने लगी, या एक प्रकार से उनको चुनौती वहां यानी कंपटीशन उनको वहां पर मिला। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं को कामुक वस्तु के रूप में अधिक देखा जाने लगा और उन्हें निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में यौन आक्रमण का शिकार समझा जाने लगा। कह कि महिलाओं को एक प्रकार से कामुक रूप में या उस रूप में इनको देखते थे और उनको एक प्रकार से जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र होता है, ठीक है, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आपका पब्लिक सेक्टर हो, तो दोनों सेक्टरों में इनका एक प्रकार से क्या होने लगा, यौन आक्रमण इनका यानी एक प्रकार से इनको परेशान किया जाने लगा या इनका शोषण बढ़ा। ठीक है, यौन उत्पीड़न महिलाओं के गरिमा जीवन के अधिकार की जड़ और उन्हें यात्रा करने, काम करने, जीने, पढ़ने और यौन उत्पीड़न से युक्त सुरक्षित वातावरण में कार्य करने के लिए अधिक चोट पहुंचाता। करें कि अगर किसी महिला के साथ, ठीक है, अगर कार्यस्थल पर अगर किसी महिला के साथ इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है, अगर उसको परेशानी या उसका यौन उत्पीड़न होता है, तो वो उसके काम करने की, जीने की, पढ़ने की, ये सभी जो प्रकार की चीज़ें होती इस पर बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है। ठीक है, हानि होती है यदि महिला तथा लड़की के सार्वजनिक सड़कों, जगहों, सार्वजनिक वाहनों, सार्वजनिक या निजी कार्यालयों या कार्य के क्षेत्रों में या जो शैक्षणिक या संस्थान है में तेजी से बढ़ने वाली यौन उत्पीड़न की घटनाओं को पराया यह कहकर सामान्य बात की कोशिश की जाती है कि पुरुष तो पुरुष ही रहेंगे तथा महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। कहने कि महिलाओं के साथ जो है यौन उत्पीड़न तो हो रहा है, लेकिन भाई बाद में कई लोग कह देते हैं पुरुष तो पुरुष ही रहेंगे बल्कि महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। भाई बताते नहीं कि शाम से पहले घर चली आया करो, रात के मत घूमा करो, इस प्रकार की बातें जो होती है ना कि भाई लड़की बाहर नहीं जानी चाहिए, रात का टाइम है या समय बहुत खराब है या इसका होता है ना, तो वही करें कि पुरुषों को तो कुछ नहीं कहा जाता बल्कि महिलाओं को ही क्या होता है, सावधान रहने के लिए उनको ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, प्रायः सभी विमर्श और चर्चाओं में यह कहा जाता है कि छेड़छाड़ तथा छेड़खानी जैसी बातों से महिलाओं को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है और इसकी हल्की व्याख्या करके बताया जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से इस प्रकार का यौन उत्पीड़न मजाक लेने के लिए किया जाता है तथा इससे कोई क्षति नहीं होती। कई बार लोग चर्चा में और विमर्श के अगर महिलाओं के साथ कोई थोड़ी बहुत छेड़खानी होती है ना तो इससे कोई कुछ जाता नहीं, तो मजाक का टाइप का, इससे कोई क्षति या इससे कोई हानि नहीं होती, इस प्रकार की सोच भी हमारे समाज में हो सकती है। देखो कह रहे हैं अधिकांश महिलाएं यौन उत्पीड़न को चुपचाप सह लेती हैं। करें कि कार्यस्थल पर वर्क प्लेस पर जो उनके साथ जहां नौकरी कर रही हैं अगर उनके साथ कोई यौन उत्पीड़न होता, उनको परेशान किया जाता है या उनका शोषण होता है तो क्या होता है, वो सह लेती, किसी को बताती नहीं है, क्योंकि जिन महिलाओं ने अपने पुरुष उच्चाधिकारी या सहयोगी से ऐसे कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध खुलेआम आवाज उठाई तो उसके विपरीत परिणाम से कई मान लो अगर कोई महिला ना किसी यूनिट में काम करे, किसी सेक्टर में काम करे, अगर वो महिला किसी अधिकारी को बताती है कि भाई ये ऐसा कर रहा वैसे कर रहा मेरा शोषण कर रहा है तो उस महिला को नौकरी से निकाल दिया जाता है या उसके खिलाफ षड्यंत्र, नौकरी से ऐसे नहीं कि निकाल देंगे, परेशान करने लग जाएंगे, तुम काम ही नहीं कर पाओगी, ठीक है, तुम्हारा ही नहीं पाओगी, ठीक है, ऐसा नहीं, वो दिक्कत रही कि अगर कोई महिला अगर वहां पर किसी पुरुष कर्मचारी के खिलाफ अगर मुखर आवाज करके बात करती है कि मेरा शोषण करा, इसका तो इरादा सही नहीं है, तो वहां के अन्य लोग क्या करेंगे, जो पुरुष होंगे एक प्रकार से उसको ही वहां से निकाल देंगे, उसका रास्ता ही साफ कर देंगे, यानी उसको नेगेटिव परिणाम वहां पर, पॉजिटिव चीजें बहुत कम दिखाई देती हैं इस उसे, यानी उस कह सकते हो कि नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है भाई, हर कई भाई सबकी घरेलू घर की मजबूरी है, पता नहीं किसके साथ क्या हो, तो कई लोग सह लेती हैं। ठीक है, कर्मचारी प्रायः इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने यौन उत्पीड़न को इतना गंभीर मसला माना कि उसमें हस्तक्षेप करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर यौन उत्पीड़न होता किसी प्रकार का कार्यस्थल तो बहुत से लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं लेते हैं। यह बहुत दयनीय स्थिति है जब कर्मचारी आरोपी कर्मचारियों के संरक्षण देते हैं और शिकायत करने वाली महिला को किसी अन्य कार्यालय में हस्तांतरण कर देते हैं, उन्हें सेवामुक्त कर देते हैं। कहने कि अगर कोई महिला ना कहीं पर अगर भाई शिकायत करती, रिपोर्ट करती है कि इसके साथ कर रहा है तो उस लेडी को क्या करते हैं, उसका ही ट्रांसफर हो जाता है, उसको कहीं और भेज दिया जाता है भैया, तो उसको नौकरी से उसका पत्ता ही साफ कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं, यानी जिसके साथ शोषण हो रहा है, जिसके साथ दमन हो रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है, उसी को ही कई बार क्या होता है, नौकरी से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि वहां के लोग परेशान करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि गलती उसी की हो, यहां कुछ
कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से महिला वजह से संबंधित महिला यौन उत्पीड़न को चुपचाप सहन कर ली। बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके कारण क्या होता है भैया कि जो महिलाएं होती हैं अगर उनके साथ वर्क प्लेस पर अगर वहां पर किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न या यौन शोषण होता है तो उसको क्या कर लेती हैं, चुपचाप सह लेती हैं। ठीक है, किसी को बोलती तक नहीं, बताती तक नहीं है, बल्कि वो चुपचाप उसको मान लेती हैं या स्वीकार कर लेती हैं। उसके रीजन क्या, उसके कारण क्या है, तो यहाँ पर कुछ रीजन बताए गए हैं। क्या देखोगे, पहला क्या है, कार्यस्थल पर सत्ता की गत्यान यानी संतुलन स्त्री पुरुष नियोक्ता कर्मचारी या उच्च अधिकारी। कह रहे कि बहुत सारे समय पर क्या होता है कि जो महिला रहती है उसका जो कर्मचारी है जिसने शोषण किया है उच्च अधिकारी उससे बड़ा पोस्ट पर या बड़े लेबर पर है, कई बार इसे सहन कर लेती है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा इससे। दूसरा, संगठन में विश्वास का अभाव की शिकायत करने पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ शोषण हो गया अगर मैं इसकी शिकायत करूंगा ना तो कोई एक्शन ही नहीं होगा, कोई फर्क ही पड़ेगा। ठीक है, यानी उनमें विश्वास ही नहीं है, विश्वास का भाव है कि मेरी शिकायत करने पर कोई एक्शन लिया जाएगा, कुछ होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए कई बार नहीं करती है। दूसरा, यौन उत्पीड़न से जुड़ा लांछना और प्रबल सामाजिक वर्जन। कहती कई बार अगर कोई महिला किसी पर लगाती है तो उस महिला को कैरेक्टर को लेकर के उसको ही गलत समझा जाता है या उसकी खुद हमारी खुद की बेइज्जती। लड़की कई बार खुद सोचती है कि मेरी परिवार की बेइज्जती होगी, मेरी फैमिली की होगी, या वो कई बार क्या करती है, वो यह कह सकती है कि परिवार की लाज के बस या इस कारण से कई बार वो नहीं करती या उस पर लांछना लगेगा या उसको गलत समझा जाएगा। आगे देखे, पीड़ित पर ही आरोप लगाना की सामाजिक प्रकृति, यानी कह रहे हैं कि हमारा जो समाज है जो पीड़ित रहता है यानी जिसके साथ ही शोषण हुआ जिसके साथ गलत हुआ उसको ही कई बार वो क्या गलत मान लेता है, उस पर ही आरोप लगा देता है। जैसे यह कहना कि उत्पीड़न इसलिए हुआ होगा कि महिला ने भड़कीले कपड़े पहने होंगे क्योंकि वह गलत जगह पर गलत समय पर भी या वहां की गरिमा को से गलत संकेत करें। बहुत सारे लोग जैसे महिलाओं को बताते ना कि लड़की हमारे देश में इतना शोषण वोषण महिलाओं के प्रति क्यों बना, क्योंकि लड़कियां हैं क्या भड़कीले यानी शॉर्ट ड्रेसेस इसका समझ सकते हो ना, इस प्रकार के पहन के घूम रही हैं, इस प्रकार की चीजों को कर रही, इसलिए हमारे समाज में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही। इस प्रकार के आरोप उस लड़की पर लगेंगे या उस लेडी पर लगेंगे, उस महिला पर लगेंगे जो इस प्रकार की शिकायत करती है। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे कारण है जिस कारण से जिस रीजन से महिला कंप्लेन नहीं करती है, कंप्लेन करने से पीछे हट जाती, उसमें भी एक बड़ा कारण। दूसरा रीजन क्या है, कार्यस्थल पर सहकर्मी का दबाव की महिला को तब पदोन्नति या वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी यदि वह आरोपियों के खिलाफ शिकायत करेगी। कई बार क्या होता है कि जो महिलाएं होती जो लेडीज होती हैं उनको बोला जाता है कि अगर वह यौन उत्पीड़न के खिलाफ अगर किसी प्रकार की अगर वह शिकायत करेंगी कंप्लेन करेंगी तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा या उन्होंने जो FIR किया जो रिपोर्ट लिखवाई है उसको वापस ले लें, इस प्रकार का उनका दबाव बनेगा। यानी अगर कोई महिला किसी कंपनी में कहीं नौकरी करती है अगर वह शिकायत करती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है तो उसको प्रमोशन नहीं मिलता, या इस तरह के कई लोग बोलते हैं कि हमारे कंपनी की या जो काम करती हो हमारे यहाँ की बदनामी होगी, ऐसा हो जाएगा, आप मत कीजिए, या तुम्हें पदोन्नति प्रमोशन नहीं मिला, इसकी वजह से कई बार सोचते हैं कि अगर मेरा प्रमोशन नहीं होगा या उसमें समस्या आएगी या मेरी वेतन नहीं बढ़ेगा मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी, इसलिए भी कई बार महिलाएं क्या करती हैं शिकायत नहीं करती हैं। स्त्री की नौकरी पर संभावित वित्तीय निर्भरता, कह रही कि स्त्री जो है एक प्रकार से नौकरी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसकी निर्भरता है, इसलिए कई बार वो क्या करती है इस कारण से भी वो शिकायत नहीं करती है। ये कुछ रीजन है, ये कुछ कारण है यहाँ पर बताए गए हैं जिस कारण से महिलाएं चुपचाप अगर कार्यस्थल पर उनके साथ शोषण होता है भैया, ये सारे कारण हैं जिसके कारण जो महिलाएं होती हैं वह शोषण को चुपचाप सहन कर लेती हैं। ठीक है, पी लेती हैं, ये बताती ही नहीं है। ठीक है, किसी को शिकायत ही नहीं करती, परिवार घर वालों की नहीं बताएंगे उनके साथ अगर कार्यस्थल पर या जहां पर नौकरी करें यहाँ पर। दूसरा एक रीजन हो सकता है, बड़ी मुश्किल से घर वाले लोग उसको नौकरी करने की परमिशन देते हैं, हाँ बेटी जाओ तुम नौकरी कर लो, बड़ी मुश्किल से तो उसको नौकरी करने की ही मिलती है। अगर ऐसी चीज अगर सुन लेंगे तो फिर कभी जिंदगी में उसको बाहर जाने ही नहीं देंगे, बंद कर देंगे घर के अंदर में ही। इस कारण से भी शायद हो सकता है कि लड़की शिकायत ना करती, ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। ये तो बड़ी मुश्किल से परिवार वालों से समझ लो एक प्रकार से दंगल करके या जंग लड़के वो वैसे ही बाहर नौकरी करने के लिए आई है, अगर इस प्रकार की चीजों को बताती हो तो बंद कर देंगे, नौकरी ही छुड़वा देंगे, नौकरी ही नहीं करना आप तुमको, घर पर ही रहना, इस प्रकार की चीजें भी हो सकती है। इसके कारण भी शायद वह शायद शिकायत ना करती, भी रीजन हो सकता है भाई। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं। अगला इसमें जो हम देखेंगे, इसमें जो रहेगा नेक्स्ट भाई, इसमें कानूनी फैसले क्या हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखेगा 12.8 में आ जाइए। ठीक है, कानूनी फैसले, लीगल
इसमें क्या लिया जा सकता है, क्या फैसले हैं लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। भानुवारी देवी का मामला, देखो भानुवारी देवी एक दलित स्त्री थी जिसके सथनी साथनी के रूप में कार्य किया। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला विकास परियोजना की एक कर्मचारी थी जो जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। राजस्थान की घटना है। अपना कार्य करने के लिए उसे गांव-गांव जाना पड़ता था तथा बाल विवाह से लोगों को रोकती थी। 1992 में यानी 1992 में जब उसके भटेरी गाँव में एक बाल विवाह को रोक दिया, तो भटेरी गाँव में अगड़ी जातियों का जातियों का गांव है, वहां लोग बाल विवाह का समर्थन करते हैं। अगड़ी जाति में अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय या जो या कह सकते हैं जो बनिया कास्ट है, ठीक है। इस टाइप इन जो अगड़ी जातियों के जो लोग थे उनका विवाह उनका रोक दिया, तो वो लोग बाल विवाह का समर्थन करते हैं। तो गाँव वालों ने उसको सबक सिखाना चाहा और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जब उसके साथ हुए सामूहिक बलात्कार में अभियुक्तों को सजा मुक्त कर दिया गया, तब भवानी देवी का बलात्कार भी महिला आंदोलन से ऐसे मुद्दे बन गया जब उसने नियोक्ताओं को यह सुरक्षा मांगी कि महिलाओं को सुरक्षित ढांचे में कार्य करने दिया जाए। विशाखा नामक एक गैर सरकारी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में इस संदर्भ में दिशा निर्देश लेने के लिए याचिका दायर की। तो इस प्रकार का देखो उस जो लेडी थी वो क्या करती थी भाई, जा जा करके सरकार की तरफ से बताती थी भाई बाल विवाह मत करो, बाल विवाह मत करो। तो एक गांव मामला था जो अपर कास्ट का, ठीक है। अगर भाई अपर कास्ट का गाँव है, वहाँ पर अगर कोई दलित कास्ट की महिला अगर उसका शादी रुकवा दे, तो भाई समझ लो, तो उनकी समझ लो कि वो बहुत मुश्किल है यहाँ से बच निकलना, ठीक है। फिर वो वही दिक्कत आई थी ना उसके साथ, समझ लो एक प्रकार से उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, इस प्रकार की घटना हुई। और उसके बाद भी कह सकते हो कि उसके बाद सर्वोच्च यानी हाई कोर्ट ने बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे रूल बनाए, कई सारे नियम बनाए कार्यस्थल पर जो यूं शोषण हो रहा था इसको लेकर, क्योंकि वो सरकार की तरफ से योजना को चला रही थी और उसके साथ इस प्रकार की घटना घटी। अगला एक केस और यहाँ पर बताया गया, जैसे विशाखा बनाम राजस्थान मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, इसमें क्या दिया, देखिए 97 में हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं की अपनी पसंद से व्यापार नौकरी या व्यवसाय करने के भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। करें कि अगर यौन उत्पीड़न पर महिला के साथ यौन शोषण होता है तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट से इसको जोड़ा गया, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कार्य के सुरक्षा वातावरण से वंचित किया जा रहा। करें कि एक कहना कि जहां पर लेडी काम करे, जहां पर आप नौकरी करें, जहां पर काम करें, वहां पर वातावरण यानी वर्क प्लेस आपका सुरक्षित सेफ होना चाहिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया कि जीवन जीने का अर्थ है कि गरिमा के साथ जीवन का अधिकार होना, कि वह जीवन जीने का अधिकार राइट टू लाइफ में यही है ना, कि जीवन जीने का जो अधिकार है आपका फंडामेंटल जो राइट है, आप गरिमापूर्ण जीवन यानी एक अच्छा लाइफ जीने का अधिकार। तो इसमें फैसला इसने सुना है। इसी प्रकार की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी विधायिका पर द्वारा कानून बनाने से हो सकती है तथा इसकी क्रियान्वयन के लिए एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है। फिर भी तत्कालीन रूप से इस समस्या का समाधान के लिए तब की विधायिका ऐसा कानून बनाए, सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया कि जिसको महिला के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में लागू किया जाना चाहिए। इस दिशा निर्देश में नियोक्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई कि वह यौन उत्पीड़न शिकायत समिति का गठन करेंगे। मैंने बताया था ना कि अगर कहीं पर अगर आप आपके यूनिट में आपके सेंटर में या मान लीजिए आपकी कोई कंपनी या कोई भी चीज़ है, अगर वहाँ पर महिलाएं काम करती हैं तो आपको एक समिति बनानी पड़ेगी अगर किसी महिला के साथ शोषण होता है, इस प्रकार की चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। तो इसी मामलों के बाद इस कह सकते सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें बोली थी, यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए समाधान तथा यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए निरोध करने के लिए उचित कार्रवाई की मांग करे या इस प्रकार के मामले को सुनो, इस सारी करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 254A यानी 354 में ए में क्या 2013 में यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया है। 2013 में क्या है, यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया गया, उसे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 345A में उसे एक दंडनीय अपराध माना गया। इसमें सार्वजनिक स्थानों यानी जैसे भाई सड़क है, रेलगाड़ी है, बस में, निजी स्थानों जैसे कोई कहीं पर नौकरी करे, कोई चाहे शैक्षिक संस्थान है, कोई कार्यालय है, ऑफिस है, पर यौन अपराध इन सभी में शामिल किया गया। अगर यहाँ पर इस प्रकार का अपराध होता है तो धारा कौन से लगेगी,
4A लगेगी और इसको एक दंडनीय अपराध माना गया है, इसको एक प्रकार से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और इसी में एक धारा और है, महिलाओं का कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न संरक्षण निवारण यौन समाधान अधिनियम 2013, विशाखा मामले में फैसले में 16 वर्षों के बाद 2013 में महिलाओं पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संरक्षण निवारण अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम इस उद्देश्य से पारित किया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना तथा यौन उत्पीड़न तथा उससे संबंधित मामलों की शिकायत के समाधान के उपाय करेगा। देखो 2013 में जो विशाखा मामले में पूरी तरीके से डेडलाइन पूरी तरीके से गाइडलाइंस जारी की जाती क्या होगी क्या नहीं होगी, इसमें क्या कहा गया था, यह एक सिविल कानून है जो कार्यस्थल पर यानी जहां महिला काम कर रही है पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को संरक्षण देने के लिए इसको बनाया गया, शिकायत करने वाली महिलाओं की समस्या का समाधान करेगा। इसमें शिकायत के समाधान के लिए जाँच समिति यानी एक कमेटी का गठन का प्रावधान है। यौन उत्पीड़न के संदर्भ में चर्चित भारतीय दंड संहिता का प्रावधान रहेगा और सिविल कानून से जोड़ा गया जिसमें महिलाएं तथा लड़कियां आपराधिक तथा सिविल कानून के तहत दोनों के अंतर्गत न्याय की गुहार लगा सकती हैं। आईपीसी की धारा 2013 में अधिनियम में महिलाओं को पीड़ित तथा पुरुषों को आरोपी माना। 2013 के अधिनियम बनने के बाद विशाखा मामले की दिशा निर्देश अब लागू नहीं, अभी कह रही उसका लागू नहीं किया गया है, बट एक प्रकार से अगर इस चीज़ को होता तो दंडनीय अपराध इसको माना गया है। और धारा इसमें कौन सी लगेगी, 354A, ठीक है, इसमें लगेगी अगर कार्यस्थल पर किसी प्रकार का यौन शोषण होता है तो यहाँ पर एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी पूरी गाइडलाइन जारी की थी, भाई अगर भाई रात में नौकरी महिलाओं से आप जॉब नहीं काम नहीं करवा सकते हैं, एक टाइमिंग है, ठीक है, या आप जहाँ पर महिलाएं काम कर रहे हैं वहाँ पर वॉशरूम होना चाहिए और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए या वहाँ पर एक जांच कमेटी होनी चाहिए, यौन शोषण हो तो आपको सुनना पड़ेगा, इस प्रकार की सारे कामों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एक बाकायदा क्या है, गाइडलाइंस है कानूनी फैसलों में लेकर के जो उन्होंने विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया था, ठीक है, इसको देख लेना क्योंकि कुछ भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है, इसको एक बार जरूर 12.8 को जरूर देख लेना, ठीक है, आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए इसमें क्या है। वैसे इसमें जितना था चैप्टर नंबर 12 में तो इसमें तो मैंने आपको सारा बता दिया, और इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है ये पूरा चैप्टर समाप्त भी हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बाकी तो मैंने आपको सारा करा दिया है, ठीक है। अगर शुरू में अगर देखूं तो इसमें क्या था, इसमें शुरू में अगर आप देखेंगे एक पूछनी है,